आज हम लोग संस्कृत में लकार के बारे में पढ़ेंगे, लट लकार वर्तमान काल के बारे में। देखिए, जब भी आप अनुवाद बनाते हैं तो उससे पहले आपको लकार पढ़ना जरूरी है, तभी आप अनुवाद सही से बना पाइएगा। उसके लिए आपको ये याद भी करना होगा, लकार अलग अलग काल के लिए अलग अलग लकार है, जो कि लट लकार सिर्फ वर्तमान काल में ही काम है। इसका प्रयोग कहाँ करेंगे? वर्तमान काल में। ती त अंति, सी थ थ, आमे आव आम। ठीक है, यही लकार है। इसको कैसे पढ़िएगा? ती त, इसको ह पढ़ते हैं। आप लोगों को पहले पढ़ा दिया गया है अनुवाद विसर्ग किसको म पढ़ेंगे, तो इसको कथी पढ़ेंगे? ह। ती तह अंति, सी थ थ, आमी आव आम। अब इसको हम लोग धातु पर बनाएंगे, इसको धातु पर हम लोग बनाएंगे। जैसे लिख, लिख पर बनाई, लिख कथी है? धातु है। पठ, पठ पर बना सकते हैं। खाद, देखिए अब बनाना कैसे है वो सीखेंगे। हमको किस पर बनाना है? पठ पर। धातु कौन? पठ। पढ़ मतलब, पठ के मतलब होता है पढ़ना, कभी होता है पढ़ना। तो हम लोग पढ़ना पर नहीं बनाएंगे, ये हिंदी है, कभी पर बनाएंगे? पठ पर। तो यहां पर जो धातु लकार जो लिखा हुआ है उससे पहले धातु लिख देना है हम लोगों को। ठीक, पठ। इसमें लगा देंगे पठ तो कथी हो जाएगा? पठत। देखिए यहाँ ओ हट जाएगा, काहे हट जाएगा? तो जब संधि में पढ़िएगा तब इसके बारे में पढ़ना है कि ओ काहे हट जाता है। तो यहाँ कथी हो जाएगा? पठंती। यहाँ कथी हो जाएगा? पठसी। यहाँ क्या होगा? पठ थ, पठ थ, पठ थ। देखिए दोनों का उच्चारण अलग अलग होगा, यहाँ ह, यहाँ ह नहीं है, तो इसको कथी पढ़ेंगे? पठ थ, इसको पढ़ेंगे पठ थ। यहाँ भी अ हट जाएगा, जैसे वहाँ हट गया, तो यहाँ कथी लिखिएगा? पठामी। यहां भी अ हट जाएगा, पठाव। यहां पठाम। ठीक है, ये बन गया पठ धातु पर ये लट लकार वर्तमान काल में बन गया। इसी तरह आपको लिख पर बनाना है।
तो कैसे बनाइएगा, पठ जो लिखे हैं वहां पर कथी लिखिएगा लिख, और यहां कथी लिखेंगे लट लकार वर्तमान काल में कौन धातु का प्रयोग किए हैं, पठ धातु का, तो कथी लिखिएगा पठ धातु का प्रयोग, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।